अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत आप सबों के साथ फिर से उपस्थित हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में एपिसोड 3 में, और हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। और आज हम जानेंगे धर्म गंगा कार्यक्रम में सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, दैनिक जीवन को किस तरह व्यतीत करनी चाहिए। आइए, सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सुप्रभात, जय श्री राधे। और हमारी प्रश्न आपसे सर्वप्रथम होगी कि सनातन धर्म के अनुसार दैनिक जो जीवन काल होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म के दैनिक जीवन दिनचर्या की बात है, या फिर यूँ कह लीजिए जो गृहस्थ आश्रम का जो मुख्य कर्म है, जिसके द्वारा संसार के सभी आनंदों को भोगते हुए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो। सर्वप्रथम सनातन धर्म में मूलतः 5 देवता के आराधना की प्रक्रिया बताई गई है। वैसे तो 56 कोटि देवी देवता और 88,000 ऋषिगण हमारे सनातन धर्म में, लेकिन 5 देवता के आराधना की प्रक्रिया हमारे धर्मों में बताई गई है। जैसे भगवान गणपति, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 5 देवता मूलतः सनातन धर्म में आराधना की योग्य बताए गए। सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम में रात्रि विश्राम के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में सभी आदमी को जगना चाहिए, विश्राम कक्ष छोड़ना चाहिए, उसके बाद नित्य क्रिया करके, दंत धावन करके, स्नान आदि करके निवृत्त होना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है? रात्रि के चतुर्थ पहर में 4 बजे से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। लेकिन जो किसान हैं, गृहस्थ हैं, सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, वे देर रात्रि विश्राम कक्ष में जाते हैं, तो फिर ये संभव नहीं है जो सुबह एकदम 4 बजे भोर में जग जाएं। थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है, लेकिन मूलतः प्रयास करना चाहिए जो सूर्योदय से पहले हम सभी विश्राम से बाहर आ जाएं, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, स्नान आदि करके अपने आराध्य देव का या अपने गुरु के द्वारा बताए मंत्रों का नियमित रूप से दैनिक पूजन करना चाहिए। सनातन धर्म में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र बताया गया है। अगर गायत्री मंत्र की उपासना नियमित किया जाए तो सभी देवी देवता उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वेद माता गायत्री उनको कहा गया है, पूरे वेदों की माँ हैं। सनातन धर्म में अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं तो पूजा करना आवश्यक नहीं है। नित्य नैमित्ति जो आपका कर्म है, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार को अच्छे तरीके से करें, अगर आप किसान हैं तो अच्छे तरीके से फसल उगाएं ताकि जितने मनुष्यत्रुपा के संतान हैं सबों का भरण पोषण हो। अगर आप विद्या अध्ययन कराते हैं, आप शिक्षक हैं, तो अच्छे से बच्चों को विद्या का ज्ञान दें ताकि भारत के सभी बालक विद्वान हो, यशस्वी हो। इस तरह का अगर आप कार्य करते हैं तो सनातन धर्म का दैनिक पूजन, दैनिक कर्म आपका पूर्णतः सफल होता है। किंतु सनातन धर्म में जो आराधना की प्रक्रिया बताई गई है वह इसलिए बताई गई है, जो 84 लाख योनि भ्रमण करने के पश्चात ये मनुष्य की योनि हमें मिली है, और मनुष्य की योनि खाने में, पीने में, सोने में, आराम करने में, भोग करने के लिए हमें नहीं मिली। मनुष्य की योनि तो हम जीवों को इसलिए मिली है ताकि 84 लाख योनि में जो हमने कर्म किया है उसका फलाफल हमें प्राप्त हो, और थोड़ा सा हम प्रयत्न करेंगे तो हम ईश्वर में विलय हो जाएंगे और पुनः जन्म करण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म का प्रक्रिया है। परंतु कलयुग में जब हम आते हैं तो हम माया में पड़ जाते हैं,
यहाँ ये घर, ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये बंधु, ये बांधव, ये राजनीति, ये व्यवसाय वगैरह वगैरह में उलझ के हम रह जाते हैं और हमें लगता है यही हमारा वास्तविक ठिकाना है। इसी धरती के साम्राज्य को हम पूरी ऊर्जा लगाकर व्यवस्थित करने में लग जाते हैं और जब अंत समय में ईश्वर का बुलावा आता है तो पश्चाताप के सिवा हम जीवों के पास कोई साधन नहीं बच जाता, तो इसके लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो आपने जैसा कि बताया कि ईश्वर की भक्ति जो होती है वो हमारे सनातन धर्म के अनुसार नित्य दिन प्रतिदिन पूजा न भी करें लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में बढ़िया से उस कार्य को किया जाए और ईश्वर उसी से खुश होते हैं। लेकिन महाराज जी, एक प्रश्न आपसे पुनः होगा कि जो दैनिक दिनचर्या होती है लोगों की सनातन धर्म के अनुसार, उठना, नित्य क्रिया से फ्री होना और उसके बाद पूजन पाठ करना, तो उसमें किस में भगवान को, किस ईश्वर को पूजा जाए जिससे उनकी दिनचर्या शुरू हो? मैंने बताया ही, हमारे शास्त्रों में विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में इसका वर्णन किया है। उसमें मूलतः है, सदा भवानी दाहिने, षण्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिली रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे वेदों में इन पांच देवताओं को मुख्य बताया गया है। वैसे कली काल के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, जो कलियुग केवल नाम आधारा कथा श्रवण कर सुम रही भव पारा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो पांच देवताओं का शास्त्र ने निरूपण किया है, आराध्य देव एक होते हैं। आगे के प्रसंगों में मैं इस पे विस्तृत आपको चर्चा करके बताऊंगा। जिस देवता की आप आराधना करते हैं, नित्य नैमित्ति उन्हीं देवता की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप अलग है, ईश्वर तो सभी हैं। जहाँ तक भक्ति की बात है तो ईश्वर का वास्तविक निवास स्थान हमारे और आपके अंतरात्मा में है। ईश्वर कोई प्रतिमा में, मूर्ति में, चित्र में, शालिग्राम में, पत्थर के शिला में भगवान विराजित नहीं है। भगवान तो हमारे आपके अंदर है। मैंने इसलिए कहा, जो अगर आप नित्य नैमित्ति कर्म को पारदर्शिता के साथ अगर आप करते हैं तो ईश्वर आप पे प्रसन्न होंगे। जो कार्य आपको ईश्वर दिया, जन्म ना जाए तो शूद्र कर्म जानाति ब्राह्मण, जन्म से हम सभी शूद्र हैं, कर्म के आधार पे हमारा जाति का निरूपण होता है। तो आप जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप आपको फलाफल मिलेगा। तो पारदर्शिता के साथ अगर आप व्यवसाय करते हैं, अगर आप वाणिज्य हैं, दुकान चलाते हैं, तो अच्छे से अगर आप वजन करते हैं खाद्य वस्तु को, ईमानदारी से करते हैं, तो ईश्वर उसी में आपको कृपा प्रदान करेंगे, उसी में आपको आशीर्वाद देंगे। वैसे सनातन धर्म में मूलतः पांच प्रक्रिया अगर दैनिक जीवन में लोग अपना ले तो आज भी उनके घर में सुख शांति और स्वर्ग का आगमन हो जाएगा। जैसे हमारी माताएं भोजन पकाती है, भोजन पकाने के बाद हमारे यहाँ नियम है, जो गाय के लिए रोटी निकालना, कुत्ते के लिए रोटी निकालना, बिल्ली के लिए रोटी निकालना, कौवा के लिए अन्न निकालना, ये सब करती है। परंतु अभी पाश्चात्य संस्कृति के वजह से ये सब अवलुप्त होती जा रही है। तो प्रत्येक दिन भोजन बनाने के बाद, जो भी भोजन बनाई, अपने रसोई में अगर तुलसी के पत्ते को डाल करके उसके बाद अपने बच्चे, पति, परिवार के सदस्यों को खिलाए, तो उनके संस्कार में काफ़ी परिवर्तन आएगा, काफ़ी झुकाव आएगा। प्रत्येक दिन पहले हमारे यहाँ नियम था, जो तुलसी के वृक्ष के पास संध्या काल में या आंगन में तुलसी का वृक्ष लगाकर चौका लोग बनाए रखते थे, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाया जाता था, आज यह लुप्त होता दिखाई दे रहा है। और इसी के वजह से जब हम ईश्वर के बताए पदचिह्नों पर नहीं चलेंगे तो तरह तरह के प्राकृतिक आपदाओं का हमारे जीवन में सामना करना होगा। और फिर मनुष्य के संपूर्ण संसार पे संकट का आगमन होगा। ईश्वर बार बार दस्तक देंगे, जो तुम जगो, तुम अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हो, तुम सही मार्ग पे चलो तो तेरे जीवन का सभी दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होगा। तो कहीं ना कहीं बुरे कर्मों का प्रभाव जरूर ही ईश्वर के कहर के रूप में लोगों पे बरसती है। कर्म अगर अच्छा हो तो ईश्वर भी आप पे कृपा बरसाती है। महाराज जी, एक प्रश्न, दैनिक जीवन में सनातन धर्म के लोग स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, इसके पीछे का क्या तथ्य है? देखिए, सूर्य जो है साक्षात देवता है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, सनातन धर्म भी मानता है, वेदों में भी वर्णन आता है।
और विज्ञान भी भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से मानता है। भगवान सूर्य की पहली किरण से पहले अगर मनुष्य जग जाता है, निंदा भंग हो जाती है, और सूर्य की पहली किरण 350 शरीर के रोए में अगर लगता है तो उसके शरीर में, उस आत्मा के शरीर में एक अजीब तेजस्विता मिलती है। वेद माता गायत्री में भी भगवान सूर्य को ज्ञान के देवता, प्रकाश के देवता के रूप में उनका विस्तृत वर्णन किया गया। अगर भगवान सूर्य को जल दिया जाए तो हमारे वैदिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार जितनी भी आधी व्याधि आपके शरीर में है धीरे धीरे सबों का समन होता है और ज्ञान का चक्षु आपका जागृत होता है, नेत्र की रोशनी बढ़ती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। इसलिए प्रत्यक्ष देवता के रूप में सभी लोग भगवान सूर्य को स्वीकार करते हैं। इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया है जो स्नान करने के बाद और कुछ करें या नहीं करें, एक पात्र में जल लेकर भगवान सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा जब से ये संसार है तब से परंपरा चली आ रही है। तो जैसा कि आपने महाराज जी की जुबानी सुना कि सनातन धर्म में सुबह उठने के बाद सूर्य की जो लालिमा किरण होती है उन पे जल अर्पण करना कितना महत्वपूर्ण होता है। जल अर्पण करने से सनातन धर्म की परंपरा जो कहती है कि मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा का निर्वहन होती है जिससे मनुष्य तरोताजा महसूस करते हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। फिर मिलते हैं हम कल सुबह एक नए अध्याय को लेकर नए एपिसोड में।